रायबरेली जिले के ऊंचाहर कोतवाली क्षेत्र के सवैया तिराहे पर एसडीएम कोतवाल आरटीओ व खनन विभाग की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर उन्हें तहसील परिसर में खड़ा करवाया था और उन पर 8,00,000 से अधिक का जुर्माना लगाया था। लेकिन मंगलवार की रात पकड़े गए 7 ट्रकों में से 3 ट्रकों के गायब हो जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गायब हुए तीनों ट्रक एक ही मालिक के हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह क्षेत्र के लखनऊ प्रयाग राजमार्ग पर स्थित सवैया तिराहे पर उप जिलाधिकारी केशवनाथ गुप्ता, कोतवाल विनोद सिंह, आरटीओ व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान फतेहपुर व बांदा जनपद से मौरंग लाद कर लाए जा रहे 7 ट्रकों पर परिवहन विभाग का 5,54,000 व खनन विभाग का 2,80,000 रुपए का जुर्माना लगाकर ट्रकों को तहसील परिसर में खड़ा करवा दिया गया था। लेकिन प्रशासन के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 7 ट्रकों में से 3 ट्रक मंगलवार की रात लापता हो गए। इस बाबत कोतवाल विनोद सिंह ने बताया, तहसील की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड प्लाटून कमांडर कमल यादव की तहरीर पर फरार होने वाले ट्रक चालक समीर पुत्र हारून निवासी नौसरवा सिंदौर जठवारा प्रतापगढ़ नसीम पुत्र जावेद पता उपरोक्त व रुस्तम पुत्र रसीद निवासी कंधई जनपदपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज कर ट्रकों की तलाशी की जा रही है।